रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते की मजबूती बयां करता है। इस मौके पर प्रहार समाज जागृति संस्था द्वारा अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जहां भारतीय सीमा पर तैनात जवानों को राखियां भेजी गई। गौरतलब है कि यह राखियां इन लड़कियों ने खुद हाथों से बनाई है। हर साल की तरह इस साल भी प्रहार समाज जागृति संस्था द्वारा देश की रक्षा कर रहे जवानों को राखियां भेजी गई। यह अभियान संस्था द्वारा हर साल निभाया जाता है, जहां लड़कियां स्वयं के हाथों से राखियां बनाकर भारतीय सीमा पर तैनात जवानों को भेजती है। इस साल लगभग 2 लाख राखियां पोस्टल सर्विस के माध्यम से सीमा पर भेजी जाएगी, जिस उद्देश्य से राखियां काउंटी आर्मी पोस्टल सर्विस की विंग कमांडर मणिकंदन को सौंपी गई। ये जैसा हर साल ये प्रकार समाज हमें बुला के जो राखियां बना के हाथों से बना के हमें हैंड ओवर करते हैं, हम अपना जवान को जो बॉर्डर में काम करते हैं पूरा देश के लिए उनको हम बेचते हैं, तो इससे हमें लगता है कि हम अलग से इस देश के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरा देश हमारा साथ प्यार से हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुआ कि पूरा देशवासी और छोटा छोटा बच्चा जो राखियां बेचते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सैनिक आपल्या देशाची निस्वार्थ रक्षा करत असतात, निस्वार्थ सेवा करत असतात, मग सीमेवरती उभं राहून देशाची रक्षा का होईना, किंवा देशाच्या आतमध्ये जेव्हा काही पूर येतो किंवा काही आपदा येते तर त्यावेळेला आपल्या देशाच्या नागरिकांची रक्षा का होईना, या सगळ्या कार्यामध्ये सैनिक निरंतर सेवा करत असतात। त्याच्यामुळे आपलं पण काही एक आपली ड्युटी आपण समजावं की आपल्या सैनिकांच्या प्रती आपण प्रेम दाखवावं, त्यांच्याप्रती आपलं काय कर्तव्य आहे हे दाखवावं, आणि म्हणून प्रहार समाज जागृती संस्था हे दरवर्षी राख्या फक्त पाठवत नाही सैनिकांना, पण आम्ही राख्या बनवतो पण, आणि बनवताना या सगळ्या मुलामुलींचे प्रेम जो असतो तो प्रेम त्याच्यामध्ये उतरतो, आणि त्या भावनेनी राख्या आम्ही सैनिकांना पाठवतो रक्षाबंधन ह्या दिवशी। तर हा जो रक्षासूत्र असतो हा एक नागरिक आणि सैनिकांमध्ये एक खूप खूप जास्ती संबंध हा क्रिएट करतो, आणि अशाच पद्धतीने आम्ही आपलं प्रेम हे सैनिकांच्या प्रती दाखवतो। मागच्या वर्षी आमचा उद्देश हा होता की देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे, तर आम्ही 75,000 राख्या पाठवू, पण आम्ही जवळजवळ 1.5 लाख राख्या पाठवल्या, आणि ह्यावर्षी तर आम्ही 2 लाख राख्या सैनिकांना पाठवतो आहे। खूप छान वाटतं हे काम करताना, आणि सैनिकांचे जेव्हा आम्हाला पत्र मिळतात तेव्हा तर वाचून अक्षरशः डोळ्यात पाणी येतं काही काही मुलांच्या, आणि हा सगळा जो संबंध आहे सैनिकांचा आणि सिव्हिलियन्सचा हा असाच वाढत राहो। ये राखियां रक्षा पोस्टल सेवा द्वारा उत्तर सेक्टर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, पंजाब, इन सभी भारतीय सीमाओं पर भेजी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75,000 राखियां सीमाओं पर भेजी जाने वाली थी, लेकिन इस अभियान को मिले सकारात्मक प्रभाव के बूते पर 2 लाख राखियां सीमा पर भेजी जाने वाली है, जिसके विषय में जानकारी दी सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देश पांडे ने। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।